हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान मंजरी विद्यापीठ ऑनलाइन एजुकेशन। आई अभय व्यास इज गोइंग टू टेक योर कंप्यूटर सब्जेक्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द सिलेबस, आई वुड लाइक टू गिव यू द बेसिक्स ऑफ योर सिलेबस, द स्टेटस ऑफ योर सिलेबस। बेसिकली योर सिलेबस इन 9th स्टैंडर्ड इज डिवाइडेड इंटू 4 डिफरेंट सेक्शन, इन विच द फर्स्ट सेक्शन इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ बेसिक वी विल लर्न इन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन योर सिलेबस। देन द सेकेंड पार्ट इन विच वी विल लर्न द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज लिनक्स और यू कैन से यूनिक्स, based one version which is known as Ubuntu. Basic introduction of this thing is that Linux and Unix is a kind of new operating system. जैसे कि अब तक आप लोगों ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लर्न की थी। आप जब भी कंप्यूटर लैब के अंदर गए होंगे तो आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखी होगी, लेकिन there are another operating system is also available in market, right? So this is Linux and Unix operating system. और उसके अंदर एक फ्लेवर है, जैसे कि उसका एक वर्जन है जिसका नाम है Ubuntu, राइट। सो दिस इज कंप्लीटली न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वी विल लर्न। द थर्ड पार्ट इन योर सिलेबस दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टूल्स इन Ubuntu। Ubuntu के अंदर कई टूल्स है जिसके अंदर हम दो बेसिक टूल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है वर्ड एंड प्रेजेंटेशन। दिस टू टूल इज देयर, राइट, वर्ड एंड प्रेजेंटेशन। नाम जो है वो कॉमन है, आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के अंदर तो स्टडी किया होगा। यहां पर जो है वो वर्ड सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है Ubuntu के अंदर, दैट मीन्स वी विल लर्न लिनक्स वर्ड। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट प्रेजेंटेशन विच इज सेम एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बट यहां पर टूल जो है वो अनदर टूल इज अवेलेबल इन Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज नेम्ड एज प्रेजेंटेशन, राइट। दिस इज अबाउट द टू डिफरेंट टूल्स ऑफ वर्ड एंड प्रेजेंटेशन। इन टूल के अंदर हम उसकी मेन फैसिलिटीज और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इन योर सिलेबस विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेट एंड सिक्योरिटी इन इंटरनेट, राइट। दिस इज द फोर डिफरेंट चैप्टर्स, फोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर्स आर अवेलेबल इन योर सिलेबस। देर आर सेवरल चैप्टर्स आर देयर बेस्ड ऑन दिस फोर पार्ट, इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थियरी, एंड इन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल। नाउ many chapters are there which is based on the practical, right? So that chapter we will learn practical thing over here, but at your home you will not get computer lab, but I will find some solution through which आप लोग जो है वो कहीं ऐसे online tools है, अगर वो tools feasible आप लोगों को आए वैसे tools I will search and I will provide you the tools so that you can make a practical at your home, right? So this is basic status and basic summary of your syllabus. Now today onward we will start with the concept of fundamental of computer, right? So our first chapter in your syllabus, that is introduction to computers. So basically before we start with the chapter, first of all we will clear out that what is computer. So the basic definition of computer is an electronic machine, right? And what is the work of computer? So main work of computer is to take input from the user, make process on that input and produce the output. So this is the basic process of computer, right? Computer जो है वो एक machine है जो input लेता है, process करता है और output provide करता है. But nowadays computer is not doing only the same thing.
कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर द मल्टीपर्पज वर्क, राइट। कई सारे वर्क के अंदर हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स के अंदर हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। नाउ इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यूज दैट, तो व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो उसकी बेसिक नीड क्या रही होगी, तो उसकी बेसिक नीड जो है वो क्या रही होगी, कैलकुलेशंस की। इनिशियली देयर वाज नो एनी कैलकुलेटर्स वाज अवेलेबल, सो एट दैट टाइम द पीपल ऑफ दैट टाइम वाज थिंक अबाउट टू मेक वन मशीन विच परफॉर्म द कैलकुलेशन, राइट। सो उस समय का मशीन जो एक डेवलप्ड हुआ उसका मेन टास्क और मेन पर्पस क्या था, तो वो पर्पस था कैलकुलेशन करना, राइट। सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस मशीन नाउअडेज वी आर यूजिंग कंप्यूटर टू द मल्टीपर्पज वर्क। आज के समय में हम कंप्यूटर जो है वो कई पर्पस से यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का यूज पर्टिकुलर कोई रेलवे स्टेशन में करता है टिकट बुकिंग के लिए, कंप्यूटर का यूज जो है वो हम स्पेसिफिक कोई कैब बुक करने में करते हैं, राइट। हमारे पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं, स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर का यूज हम करते हैं। सो देर आर वेरियस वर्क ऑफ कंप्यूटर नाउअडेज वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सो ये सभी चीज जो है वो कंप्यूटर, ये सभी अलग अलग फैक्टर्स के अंदर कंप्यूटर जो है वो अपना टास्क परफॉर्म कर पाता है। सो बेसिकली कंप्यूटर के पास प्री डिफाइंड सभी फंक्शंस नहीं होते, कंप्यूटर के पास एक मेन फंक्शन ये है कि वो इनपुट आपके पास से लेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद जो है वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो आपको जनरेट कर देगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। बट अलग कई ज्यादा फैक्टर के अंदर कंप्यूटर का यूज अगर हमें करना है तो वी मस्ट हैव टू डेवलप अवर कस्टम प्रोग्राम, हमें हमारा प्रोग्राम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक शॉप के अंदर मुझे कंप्यूटर को इंस्टॉल करना है, सो उस समय कंप्यूटर तो वहां पर होगा लेकिन शॉप के अंदर बेसिकली बिलिंग फैसिलिटी जो है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम जो है वो सेल करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बेस्ड हमें कस्टमर को बिल पे करना होता है। सो वी डोंट हैव द प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ अ बिल, प्री डिफाइंड प्रोग्राम ऑफ अ बिल इन अवर कंप्यूटर। सो एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो नाउअडेज यू कैन मेक अ कस्टम प्रोग्राम इन कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर के अंदर आप अपनी तरीके से अपने यूज के दरमियान कोई भी प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बट वो प्रोग्राम डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता। जैसे कि कहीं भी कई बार आप जब कोई चीज लर्न करते हो तो आप उसका रफ वर्क करते हो, जैसे कि मैथ्स के अंदर अगर कोई सम जो है वो आपको काउंट करना है तो यू आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली राइट दैट सम टू योर फेयर बुक, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट दैट सम इन योर रफ बुक, राइट। यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द पर्टिकुलर स्टेप ऑफ दैट सम, एंड आफ्टर दैट इफ द सम इज करेक्ट एट दैट टाइम यू कॉपी दैट सम एंड यू पास दैट सम इन योर फेयर बुक। द सेम थिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, अगर आप कोई कस्टम प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो सो एट दैट टाइम इनिशियली वॉट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोग्राम। आपको क्या करना होगा, क्योंकि प्रोग्राम के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो मेंशन करनी होगी। सो दिस पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट अ प्रोग्राम इफ यू आर प्रिपेयरिंग, दिस थिंग इज नोन एज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब ये है कि कोई एक प्रोग्राम आप क्रिएट करना चाहते हो, उस प्रोग्राम को क्रिएट करने में शुरू से लेकर अंत तक जितने भी स्टेप फॉलो किए जाएंगे, दैट स्टेप यू हैव टू क्लियर आउट एंड यू हैव टू राइट दैट स्टेप, इट इज नोन एज एल्गोरिदम। सो प्रोग्राम तो बाद में बनेगा, उससे पहले हमारे पास एक पर्टिकुलर आइडिया होना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक स्टेप होने चाहिए कि बेस्ड ऑन इट यू विल क्रिएट योर सॉफ्टवेयर। सो बेस्ड ऑन दिस अल्गोरिदम, आफ्टर क्रिएटिंग द अल्गोरिदम यू कैन प्रिपेयर एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल देर आर सेवरल टास्क विच इज गिवन ओवर हियर, दैट इज जनरेटिंग बिल्स, रिजर्विंग टिकट्स, प्रिंटिंग मार्कशीट्स, प्रिंटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स,
और कम्युनिकेटिंग मैसेजेस। सो दिस ऑल आर द टास्क, ये सभी टास्क है। अभी एक चीज समझते हैं, सपोज मैं यहाँ से कोई एक चीज लेता हूँ, जैसे कि रिजर्विंग रिजर्विंग टिकट्स, राइट। सो अगर हम कोई टिकट बुक करते हैं, उसका हमें एक प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में डालना है। ऐसा प्रीडिफाइंड कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर होता नहीं, बट वी हैव टू क्रिएट दिस प्रोग्राम मैन्युअली। हमें कस्टमली हम ऐसे कोई एक प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में क्रिएट करना होता है। सो इनिशियली हम क्या करेंगे, हम एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेंशन करेंगे, जिसे कि हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, तो कि भाई किसी कोई एक कस्टमर की हमें टिकट रिजर्व करनी है। सो उस रिजर्वेशन के अंदर प्रोसेस शुरू कहाँ से होगी, तो पहले तो हम क्या करेंगे, तो कि कस्टमर का नेम लेंगे, कस्टमर की बेसिक डिटेल्स लेंगे, राइट। डिटेल्स लेने के बाद वो कौन सी बस या तो कौन सी फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद दिस ऑल आर द इनपुट्स, ये सभी हमने इनपुट्स लेने होंगे। सो इनिशियली वी हैव टू डिसाइड द इनपुट्स। आफ्टर डिसाइडिंग द इनपुट, व्हाट वी विल हैव टू डू, विल हैव टू मेक प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, तो भाई सभी डिटेल्स तो हमारे पास आ गई है, तो अभी डायरेक्टली हमें टिकट बुक करनी होगी। तो बुक करने से पहले प्रोसेस कौन सी होगी, तो भाई सभी डिटेल्स लो, डिटेल्स को वेरीफाई करो, वेरीफाई करने के बाद जो है वो पेमेंट कंफर्म करो, राइट। मोस्टली पेमेंट आजकल जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से। सो बेसिकली पेमेंट क्लियर करो, तो दिस ऑल आर द प्रोसेस। अभी इस प्रोसेस से अगर हम पास हो गए, सो एट लास्ट व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द रिजल्ट, वी विल गेट द आउटपुट। विच काइंड ऑफ आउटपुट, वी विल गेट द पर्टिकुलर टिकट ऑफ एनी स्पेसिफिक व्हीकल, राइट। उस टाइम का उस स्पेसिफिक बस का या तो कोई फ्लाइट का हमें टिकट जो है वो जनरेट होकर मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड द आउटपुट। सो ये सभी प्रोसेस हमें स्टेप बाय स्टेप मेंशन करनी होती है। मेंशन होने के बाद एक प्रॉपर एल्गोरिदम बन जाए, उसके ऊपर से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे वर्क करेगा और सॉफ्टवेयर कंप्लीटली कैसे बनेगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर। सो यू कैन प्रिपेयर स्पेसिफिक अल्गोरिदम, बेस्ड ऑन द अल्गोरिदम यू कैन डिजाइन एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। दिस इज नॉट ओनली यूज ऑफ कंप्यूटर, बट कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्ले द ऑडियो इन द कंप्यूटर, यू कैन सी स्पेसिफिक वीडियो टू द कंप्यूटर, यू कैन डिजाइन द स्पेसिफिक ग्राफिक्स, यू कैन यूज द एनिमेशन टेक्निक्स इन द कंप्यूटर। नाउअडेज आप सब लोगों को पता होगा कि कार्टून्स के काफी मूवीज जो है वो बाजार में आ रहे हैं, राइट। सो दिस ऑल आर द मूवीज विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कई ऐसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की मदद से ये स्पेसिफिक मूवीज जो है वो क्रिएट होते हैं। एंड द नॉर्मल थिंग दैट इज टेक्स्ट एंड नंबर्स यू कैन इंसर्ट, यू कैन सेव इन द कंप्यूटर। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज दैट कंप्यूटर के अंदर जो है वो मेनली तीन प्रोसेसेस जो है वो होती है। थ्री स्टेप्स आर देयर। द फर्स्ट स्टेप इज दैट टेकिंग इनपुट। इनपुट दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सेंड और स्पेसिफिक डेटा टू द कंप्यूटर। कोई भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनपुट, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो भी चीज कंप्यूटर को इनपुट एज अ इनपुट जो है वो मिली है, उसके ऊपर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इज डूइंग प्रोसेस, कंप्यूटर विल मेक प्रोसेस, राइट। प्रोसेस करने के बाद एट लास्ट वी विल गेट द रिजल्ट, उसके बाद एट लास्ट हमें रिजल्ट मिलेगा। This result is known as output, right? So this the three task is there. While we are concerned with the computer, the first thing is that input. We can send the input to the computer using the input devices like keyboard and mouse. Then computer make a process on it with the help of central processing unit, that is CPU, and at last we'll get the specific result, which is in the form of output. Output that means in the form of monitor. At last we will see the result through the monitor, or if there are another output devices are available like a printers, right? So we can get the specific hard copy from this specific devices. So these all are the basic process of computer. Now you can see
one diagram is available over here, that is the working of a typical computer, right? So normally how the computer will work. So as I have talked over here, you can see that specific users, user means the human, we can directly interact with the computer. Hum computer ke saath interaction mein aate hai. जैसे कि हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट सेंड करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टास्क, राइट? कंप्यूटर के अंदर इनपुट सेंड करते हैं कैसे, तो कि भाई हम कंप्यूटर शुरू करते हैं, अगर कोई चीज हमें कंप्यूटर के अंदर सेंड करनी हो, जैसे कि कोई चीज हमें टाइप करनी हो, सो वी विल यूज कीबोर्ड. सो वी कैन टाइप समथिंग यूजिंग द कीबोर्ड, दिस इज अवर इनपुट, एज वेल एज वी कैन पास सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन भी हम पास करते हैं, जैसे कि हमें अगर कोई किसी चीज की प्रिंट आउट चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्लिक ऑन द प्रिंट कमांड, राइट? वंस वी क्लिक ऑन द प्रिंट कमांड, कंप्यूटर टेक द इनपुट ऑफ अ प्रिंट कमांड इनसाइड. सो दिस इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव सेंड टू द कंप्यूटर के भाई हमें प्रिंट आउट चाहिए, सो वी विल क्लिक ऑन द प्रिंट कमांड, सो कंप्यूटर कैन रिसीव द इंस्ट्रक्शन दैट द यूजर वॉन्ट्स द प्रिंट कमांड ओवर हियर, राइट? सो इन दैट वे वी विल सेंड द इनपुट टू द कंप्यूटर. आफ्टर गेटिंग द इनपुट इन साइड द कंप्यूटर, वॉट विल द कंप्यूटर विल डू, कंप्यूटर विल प्रोसेस ऑन दिस स्पेसिफिक इनपुट. कंप्यूटर इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के अंदर क्या करेगा, तो कि भाई कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको स्टोर करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो आप जो है वो इनपुट के अंदर क्या दोगे, तो कि भाई कीबोर्ड के द्वारा आप कुछ चीज टाइप करोगे, उसके बाद आप इनपुट दोगे सेव कमांड, सो यू जस्ट सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द कीबोर्ड एज अ सेव. सो कंप्यूटर विल सेव दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनसाइड एंड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर जो है वो अपने मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन सेव करेगा, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस. और अगर आप कोई किसी चीज का प्रिंट आउट चाहते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट इफ यू वुड लाइक टू टेक, सो एट दैट टाइम व्हाट यू विल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द प्रिंट कमांड, देन कंप्यूटर विल एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, राइट? सो हियर व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोसेस, व्हाट कंप्यूटर प्रोसेस आफ्टर टेकिंग द इनपुट, कंप्यूटर कैन रिमेंबर योर डेटा इनसाइड द मेमोरी एंड कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू योर इनपुट. इनपुट के बेस्ड कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिकली एग्जीक्यूट करेगा एंड एट लास्ट कंप्यूटर विल गिव यू द स्पेसिफिक आउटपुट ओवर हियर, राइट? आप लोगों को लास्ट में क्या मिलेगा, तो कि भाई आप लोगों को जो है वो स्पेसिफिक आउटपुट कंप्यूटर के द्वारा मिलेगा. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर इफ आई वुड लाइक टू गिव टू यू, सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, आई एम गोइंग टू ओपन वन टूल ओवर हियर, दैट इज नोटपैड, राइट? दिस इज द सिंपल नोटपैड टूल. Now I am going to give input to the computer, so I am just over here typing something, that is, this is computer lecture, right? We are learning now basics of computer. So right now, which device I am using? Yes, I am using कीबोर्ड एज अ इनपुट, राइट? मैं कीबोर्ड का यूज कर रहा हूं इनपुट सेंड करने में. सो दिस ऑल द टेक्स्ट दैट यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, दिस इज कंप्यूटर लेक्चर, वी आर लर्निंग नाउ बेसिक ऑफ कंप्यूटर, दिस इज माय इनपुट. ये मेरा जो है वो इनपुट है. उसके बाद इस इनपुट को गेट करने के बाद आई एम गोइंग टू गिव वन इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, दैट इज टू सेव माय फाइल. So I am clicking over here, save, and now I would like to save this file to the C drive, and here I would like to save this file. So to save this file, I have to pass over here specific name of my file. So I am going to pass the name as, suppose the name of the file is temp, that means the temporary file, and I click on to save, so that मैं जब भी सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन लेगा इनपुट के तौर पे, और इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्यूटर एक प्रोसेस करेगा. वो प्रोसेस जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की होगी, एंड नाउ माय फाइल इज सेव्ड. मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई. आप लोगों को यहाँ पर टाइटल बार में फाइल का नेम दिखेगा, और जो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में माई फाइल इज सेव्ड, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस,
कंप्यूटर ने मेरी फाइल जो है वो कंप्यूटर के अंदर उसकी मेमोरी के अंदर सेव कर दी। और सेव करने का जो ये प्रोसेस है, सेव करने का जो ये टास्क है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। और सेव हो गई तो यहाँ पर मेरे फाइल नेम में टाइटल बार के ऊपर देख सकता हूँ, राइट। तो दिस इज द आउटपुट के भाई फाइल आपकी सेव हो गई, तो यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक फाइल का नेम आ गया, दैट मीन्स अवर फाइल इज सेव। सो वी कैन एक्सेस दिस फाइल इन फ्यूचर। दिस इज कॉल्ड इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। देर आर सेवरल डिवाइसेज आर अवेलेबल एज अ इनपुट, एज अ प्रोसेस, एज अ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड लाइक टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज, देन कीबोर्ड, माउस, राइट, दिस ऑल आर द इनपुट डिवाइसेज। एज पर द प्रोसेस डिवाइस, वी हैव द प्रोसेसर इन अवर कंप्यूटर एंड दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू है, विच इज नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड एट लास्ट द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इज द कॉमन डिवाइस लाइक मॉनिटर, लाइक प्रिंटर, लाइक प्लॉटर, दिस ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेज। इन सभी डिवाइस के बारे में हम डेफ में लर्न करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, बट राइट नाउ दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, राइट। ये जो है वो कंप्यूटर की बेसिक प्रोसेस है। अभी एक कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है जिसका नाम है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, राइट। स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब कोई एक प्रोग्राम प्री डिफाइंड कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड ही है, राइट। आप प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर रहे हो हर बार, ये एक बार बन गया है उसके बाद कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड ही है। अभी स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का मतलब क्या, एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि भाई कंप्यूटर जो है उसका बेसिक वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो कि भाई पहले वो इनपुट लेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद आउटपुट करेगा, राइट। अभी सभी चीजें जो है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट से ही एग्जीक्यूट होती है, लेकिन कई चीज ऐसी है कि जो रूटीन बेस्ड में हमें फॉलो करनी ही होती है। जैसे कि हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होगा, हमारे स्क्रीन के सामने डेस्कटॉप आएगा और डेस्कटॉप के बेस में हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे, राइट। सो ये सभी चीजें कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली हो रही। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम के बेस्ड में ही वर्क करता है। किसी भी चीज को ले लो, अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो कंप्यूटर के अंदर प्रिंट का भी एक प्रोग्राम सेव है। अगर आपको कोई प्रोग्राम सेव करना है तो कंप्यूटर के अंदर सेव का भी एक प्रोग्राम सेव है। ये सभी प्रोग्राम जो है वो प्री डिफाइंड कंप्यूटर के अंदर सेव ही है। इन प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम जो है वो हमें रूटीन लाइफ के अंदर डेली यूज करने हैं। सो क्या होगा कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर कैन स्टोर इन देयर मेमोरी प्री डिफाइंड सर्टेन कोड। कंप्यूटर जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर जो है वो सारे इंस्ट्रक्शन और ये जो कोड है वो प्री डिफाइंड स्टोर करके ही रखेगा। ऐसे कॉमन प्रोग्रामिंग, मैन्युअली अगर न्यू प्रोग्राम क्रिएट करने हैं सो वी कैन क्रिएट इट, बट सम ऑफ द बेसिक प्रोग्राम कंप्यूटर कैन प्री डिफाइंडली स्टोर इनसाइड देयर मेमोरी, सो दैट द प्री डिफाइंड ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर एंड देयर इज नो नीड टू पास इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट टू दोज प्रोग्राम विच इज यूज डेली इन अवर computers using. So in that case, what we will do, we will do one thing, we will store this kind of program inside a computer and that program automatically execute in daily life, right. So this program is known as stored program concept. Ye jo program hai use kya kahenge, stored program concept. Wo program predefined computer ke andar stored hi hai, right. Use hume externally store karna nahi padega. So this is called the basic process of computer, जिसके अंदर तीन स्टेप है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। While we would like to perform particular task, initially we will have to send the input to the computer, then computer make processing on it, and at last we will get the specific output. This is the working of a typical computer, and some of the program there is no need to pass input, process and output. That kind of program we daily uses inside a computer. So this program we will pre-installed inside the memory of a computer, which is known as stored program concept. This is about the basics of a computer. So आज हमने computer के बारे में जो सीखा वो है basics of a computer. Initially
वी हैव लर्न द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में हमने स्पेसिफिक सीखा. उसके बाद हमने सीखा एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की डेफिनेशन के भाई कोई भी प्रोग्राम हमें क्रिएट करना हो तो वी विल नीड द स्पेसिफिक एल्गोरिदम, द स्पेसिफिक स्टेप ऑफ दैट प्रोग्राम. बेस्ड ऑन इट यू विल क्रिएट द प्रोग्राम. डायरेक्टली हम कंप्यूटर को लेकर उसके अंदर प्रोग्राम क्रिएट करने नहीं बैठ जाएंगे. अगर ऐसा करेंगे तो प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद वो प्रोग्राम के अंदर फेलियर भी आ सकता है. सो एक टेस्टिंग, एक रफ आइडिया वी मस्ट हैव इन अवर सेल्फ, सो दैट इज नोन एज एल्गोरिदम. उसके बाद द बेसिक प्रोसेस, द बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. राइट, कंप्यूटर हैविंग थ्री स्पेसिफिक टास्क, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. देन वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर फिगर. यू कैन सी ओवर हियर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स which executes from the user. User can send input, input passes to the processing, processing generates the output, and at last output will get to the user. User जो है वो at last क्या get करेंगे, output. Right? उसके बाद एक concept आएगा, stored program concept. Right? So stored program concept, that means the predefined program that we have stored inside a computer, which is known as stored program concept. This is the basic use of computer. Now, homework of the day is that here you are observing one figure, right? That figure is about the working of a typical computer. You will have to draw the same figure in your book, and then you will have to explain this particular figure in your words, right? You will have to write down 10 to 12 sentences based on this figure in your words, right? That is your homework. Right? If you have any doubt regarding this particular concept, you can ask me anytime. Okay? So, from the next lecture, we will start with the application of a computer and we will learn the further and in depth of this concept. Up to this, goodbye.